मगरिब बंगाल से हज पर जाने के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2019 है। अब तक काफ़ी लोगों ने दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। आज़मीन हज को अगर आखिरी तारीख का पता नहीं है तो वो बराए करम इसे नोट फरमा लें। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट, बराए औकाफ और कौम मिल्लत के हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब शेख गुलाम रब्बानी ने अपनी कौमी और समाजी जिम्मेदारियों को समझते हुए लोगों से अपील की है कि जिन आज़मीन ने अब तक अपना फार्म दाखिल नहीं किया है वो फौरन फार्म की खानियाँ पूरी कर ले, और जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनाया है वो भी हज हाउस जाकर अपना पासपोर्ट बना ले और हज के लिए दरख्वास्त दें। आइए सुनते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट बराए औकाफ जनाब शेख गुलाम रब्बानी ने आज़मीन हज से इस बारे में क्या अपील की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाई बहन, दोस्त अहबाब, आज शेख गुलाम रब्बानी, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग साहिब हैसियत हैं वो लोग जल्द से जल्द हज का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2019। मैं आपसे ये इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हज जो है हमारा इस्लाम का एक 5 जो सबसे मजबूत पिलर है, 5 पिलर जो इस्लाम का है उसमें से एक सबसे बड़ा जो है वो है हज है। जो सहबी हैसियत हैं उनके ऊपर हज जो है फ़र्ज़ है, और हज को सिर्फ आप जैसे हम लोग कोई हाजी को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट तो हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, सेहत के लिए, काम कारोबार के लिए दुआ कर दीजिएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उसी तरह से हम लोग खुद हज में जाकर, अगर हज में वहाँ अल्लाह के बारगाह में अगर दुआ करें तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला रहमान, अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों का दुआ जल्द से जल्द सुनेंगे। इसी तरह से मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि हज का जो वहाँ मक्का का जो नज़ारा है जो हम लोग देखते हैं वो सिर्फ अब एक हज के तो है ही वाला, हज को सिर्फ एक हज की तरह नहीं सोच कर वो आप ये देखें कि उस गलियों में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ घुमा करते थे, उस जगह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, तो ये एक अलग ही मोहब्बत आपको मक्का शरीफ, काबा शरीफ को देख कर आपको एक वहाँ पर में जो है एक मोहब्बत आपके नज़र में जागेगा। तो इंशाअल्लाह ताला रहमान आइए हम लोग सब जल्द से जल्द जो है नवंबर 10, 2019 से पहले पहले हज कमेटी में जाकर अपना फॉर्म भर दें, ऑनलाइन फॉर्म भर दें। अगर किसी तरह की आपको दुश्वारी होती है, अल्लाह ना करे हो, अगर किसी तरह की दुश्वारी अगर आपको होती है तो हमारे वेस्ट बंगाल हज कमेटी बैतुल हुज्जाज जो पाक सकस में है वहाँ जाकर आप अपना हज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम लोग, वहाँ तमाम स्टाफ आपका इंतज़ार देखते हैं कि वहाँ पे आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा वहाँ आपके शाना शाना मिलाकर वहाँ काम करने को वहाँ पर में हाजिर हैं। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल हज कमेटी जो है हमेशा पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारी दुआएं उनके साथ हमेशा हैं। जिन लोगों का पासपोर्ट भी अगर बनने में अगर किसी तरह का दुश्वारी अगर हो रहा है तो वहां पर जाकर वो तत्काल पासपोर्ट बना सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म और मैनुअल फॉर्म भी वहां जाकर वो फिलअप कर सकते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह ताला रहमान हम लोग सब जल्द से जल्द जो है नवंबर 10 नवंबर 2019 से पहले पहले जाकर हम लोग वहाँ पे अपना फॉर्म भर दें, ताकि जो हम लोगों का यहाँ पे हज का जो अरकान हम लोग पूरा कर सकें। और मैं आप लोगों से ये दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सभी अपने दुआओं में पूरे कौम, पूरे हिंदुस्तान में अमन, सुकून, चैन के लिए जाकर आप मक्का शरीफ में जाकर दुआ करें, ताकि हम लोग का जो यहाँ पर वज़ीर आला जो हम लोग काम कर रही हैं अच्छा काम करें, उनकी लंबी हयात, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। हमारे जो यहाँ वेस्ट बंगाल हज कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं जनाब नदीमुल हक साहब, उनके लिए दुआ करें, उनकी मेहनत और उनकी क़यादत में जो यहाँ पर हाजियों की और जो यहाँ खिदमत होती है वो काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपना
काम को यहाँ निभाया है, जो अंजाम दिया है वो काबिल तारीफ है। तो आइए इंशाल्लाह ताला रहमान उनके नदीम भाई के हम लोग शाना शाना मिलाकर हम लोग उनका काम को और अंजाम अच्छे तरीके से अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।